हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप सेकेंड हैंड स्कूटी लेते समय, कोई भी हो, एक्टिवा, एक्सेस, मेस्ट्रो, जुपिटर, ये गाड़ियों को लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात आती है आरसी डॉक, गाड़ी के पेपर, मतलब आरसी कार्ड होना चाहिए। बाकी इंश्योरेंस आप पीयूसी सब निकलवा लोगे, लेकिन आरसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात आती है शैसी या फिर रस्ट। रस्ट आपको बॉडी पार्ट्स पे चेक करने हैं, अभी इसके फाइबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्टिवा, एक्सेस हो गई, ये गाड़ियों के यहाँ से जो है दोस्तों रस्ट रस्ट पकड़ना शुरू कर देती है। गाड़ी यहाँ से हो गया या फिर ये पार्ट्स में, ये बॉडी भी रस्ट हो जाती है कभी कभी, यहाँ पर रस्ट आपको चेक करना है। ठीक है, और ये तो कॉमन है, ये कोई आप नज़रअंदाज कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो आपको रस्टिंग चेक करनी है, फिर एग्जॉस्ट की तरफ आपको रस्टिंग चेक करनी है, और यहाँ पर भी। और दोस्तों इसके नीचे जो है वो आपको शैसी नंबर होगा, वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ कैमरा में, लेकिन यहाँ पर शैसी नंबर होगा, वो भी दोस्तों विजिबल होना चाहिए। अगर वो विजिबल नहीं है तो गाड़ी नहीं लेनी है, क्योंकि उसका जो पेंसिल प्रिंट होता है शैसी नंबर का, वो आपको ट्रांसफ़र के दौरान नेसेसरी होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं, कैसे डिटरमाइन करें। पहली बात आप देख रहे हो ये कवर्स, व्हील कवर जो है ना, राइट का थोड़ा आपको ऑफ सेंटर दिखेगा, लेफ्ट का प्रॉपर है, इसका मतलब गाड़ी राइट साइड पे कभी गिर चुकी है, ये को इंडिकेशन हो गया। दूसरा इंडिकेशन हो गया आपका ये ब्रेक लीवर, ये देख पा रहे कलर एक्सीडेंट की वजह से निकला है, फिर मिरर पे स्क्रैचेस दिखेंगे, ये तो मैंने टेपिंग करवा के छुपा दिया है, लेकिन जो है यहाँ पर भी स्क्रैचेस मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर भी जो है स्क्रैचेस आपको देखने मिलेंगे, तो आपको प्रॉपर इंस्पेक्शन करना है। और एक्सीडेंट कोई बड़ी बात नहीं, अगर मेजर है तो गाड़ी लेनी नहीं है, लेकिन अगर छोटा मोटा है तो आप ले सकते हो, सिर्फ वो ये जो चीज़ें आप थोड़ा नेगोशिएट करवा सकते हो। ठीक है, अभी चलते हैं इंजन की तरफ। अभी इंजन इसका मतलब आपको पूरा चेक करना होगा, तो ये बॉडी खोलनी पड़ेगी, लेकिन उतना अपने पास टाइम नहीं होता, हर गाड़ी के खोलते बैठेंगे तो बहुत बहुत टाइम चला जाएगा। तो एक सिंपल इंडिकेटर है ये, आपका जो ऑयल का डिपस्टिक होता है ये आपको बस खोलना है, और इसका जो ऑयल लेवल है वो चेक करना है, और ऑयल जो है वो ब्राउन होना चाहिए, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन कुछ भी चलेगा। अगर ये पूरा काला है तो वो गाड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, या फिर उसका लेवल कम है तो समझो इंजन ऑयल गाड़ी खा रही है। ठीक है, अभी दोस्तों चलते हैं चाबी की तरफ। तो चाबी जो है ओरिजिनल होनी चाहिए आपके पास, और ये प्लेट होती है, ये प्लेट पे नंबर लिखा होता है, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। अगर गाड़ी की चाबी ओरिजिनल है तो गाड़ी चोरी की नहीं है। ठीक है, कोई चाबी, और अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं गाड़ी, गाड़ी एकदम ठंडी है, प्रेफरेबली गाड़ी ठंडी होगी तो ये आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो और मैं सेल्फ लगाने वाला हूँ। अगर सेल्फ मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इससे बैटरी की कंडीशन भी पता चलेगी, क्योंकि बैटरी थोड़ी वीक है तो गाड़ी जो है वो सेल्फ बराबर नहीं ले पाएगी। ठीक है, सेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इंजन आपको थोड़ा चेक करना है, पहली बात स्मोक चेक करना है। जनरली एक्टिव एक्सेस ये गाड़ी मेंटेन नहीं, तो यहाँ से वाइट स्मोक फेंकना शुरू करती है। अगर वाइट स्मोक आया तो गाड़ी लेना ही मत, क्योंकि पूरा आपको इंजन रिबिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें आपके 10-15 हज़ार रुपये बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको एक्सेटर देना है। ठीक है, अभी गाड़ी जो है वाइब्रेशन दे रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखना। ठीक है, इसका जो बॉडी है तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। अब ये वाइब्रेशन क्यों होता है, क्योंकि इसके जो क्लच होता है, क्लच रोलर, क्लच बेल्ट हो गया, वो घिसा हुआ होता है। ठीक है, अगर वो घिसा हुआ है तो उसमें आपके 2-3 हज़ार रुपये लग जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो जो है आप 2-3 हज़ार रुपये नेगोशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इंजन पूरा चेक करना है। फिर दोस्तों आपको टायर का अलाइनमेंट देखना है। तो बहुत बार टायर, मैंने बहुत गाड़ियों को देखा है, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है तो समझ जाओ इधर कोई रिम में प्रॉब्लम है, या फिर टायर इसके पुराने घिसे हुए हैं, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम एक्सीडेंट में भी हो सकता है, मेजर एक्सीडेंट में, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर थोड़ा रिम टेढ़ा मेढ़ा है तो गाड़ी बिल्कुल भी लेना मत, क्योंकि आपको फ्यूचर में उससे बैलेंसिंग के इश्यूज आ सकते हैं, जो फ्यूचर में आपको डेंजरस प्रूव होंगे। ठीक है, अभी ये मीटर की रनिंग जेन्युइन कैसे है ये पता करें। मीटर भी दोस्तों कभी भी विश्वास ना रखें, क्योंकि इसको कोई भी ऊपर नीचे आराम से कर सकता है। ठीक है, तो उसका एक सिंपल मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, फ्रंट टायर की कंडीशन चेक करनी है। तो सिंपल वे इसका फ्रंट टायर चेक करना। अभी फ्रंट टायर की आप कंडीशन चेक करना कि ये गाड़ी आपने देखा रनिंग था 18,790, तो आप जो इसकी कंडीशन चेक करना। ये तो मैंने टायर चेंज करवाया, लेकिन जनरली जो 18,000 की जो टायर होता है ऐसा, वो एकदम अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है,
और दोस्तों आप मुझे यहाँ पर डेट चेक कर सकते हो, ये है 2817, मतलब इसका टायर चेंज हुआ है। अगर मतलब ये गाड़ी ओरिजिनल नहीं है, अगर समझो इसका टायर होता है 2014 2015, क्योंकि 2014 15 मॉडल है, तो उस हिसाब से आपको डेट चेक करनी है। अगर ये डेट डेट ओरिजिनल ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से नहीं है, तो वो आपको गाड़ी नहीं लेनी, क्योंकि आपको डीलर पक्का फंसा रहा है। 18,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी बोल बोल के आपको 40-50 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी बेच रहे हैं, ठीक है। और बाकी के इंडिकेटर हो गए, लाइट, ये सारी चीज़ें। अभी टेल लाइट भी चेक करने की, टेल लाइट अभी ये गाड़ी का देख सकते हो, इसमें पानी भर गया है। लेकिन आपको जो ये चेक करना है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जो है इससे प्राइस नेगोशिएट कर सकते हो। और दोस्तों आपको इसके टायर और रिम जो है वो भी आपको चेक करने हैं। रिम पे रस्ट तो होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रस्ट है तो आपको पूरा रिम चेंज कराना पड़ेगा, जिसमें आपका 1,000-2,000 रुपये जाएंगे। और दूसरी बात आता है ये टायर्स, अब ये टायर की जो ग्रिप है ये भी प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको सेकेंड हैंड टायर चिपका दिया हो, कटा हुआ फटा हुआ, तो टायर भी जो है अच्छे कंडीशन का होना चाहिए। तो ये थी बेसिक चीज़ें, क्या क्या आपको एक सेकेंड हैंड स्कूटर लेने से पहले आपको चेक करवाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।